आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की, बिलीफ सिस्टम की। सब आदमी एक जैसे होते रहते हैं, सबकी बिलीफ सिस्टम एक बार बन गई, कोई भी आदमी जो है ना कहीं किसी के ऊपर विश्वास करना चालू कर देता है तो वो जो है विश्वास, वो एक्चुअली अंधविश्वास हो जाता है और वो विश्वास के मुताबिक ही काम करते रहता है। जैसे कोई लोगों का विश्वास है कि बिल्ली यदि रास्ता काटती है तो फिर अपना काम होगा नहीं, वो घर पर आके सो जाते हैं, या बोले आज अमावस्या है, शनिवार है, नहीं अभी आज काम नहीं होगा, और वो काम को जाते नहीं है, घर में बैठे रहेंगे, शनि पीछे लगा हुआ है। सचमुच वो जब जाते हैं काम पे ना तो उनका काम होता नहीं है, बाकी लोगों का होता है। बाकी लोगों के लिए अमावस्या नहीं होती है, शनिवार नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर वो बिलीव नहीं करते रहते हैं। देखिए, एक आदमी के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट लोगों ने कि एक आदमी को फांसी की सज़ा हो गई, उसको दूसरे दिन फांसी देना थी, तो उसको पहले दिन ये बताया गया कि देख तुमको जब फांसी देंगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है, जब फांसी का फंदा गले को लपेटा है और जब तड़प तड़प के आदमी मर जाता है, बहुत तकलीफ होती है, तो आपको चॉइस है। चॉइस ये है कि हम आपके पास में कोबरा लेके आएंगे, कोबरा काटेगा तो एक सेकंड में मर जाएगा, तकलीफ होंगी नहीं, तो क्या प्रेफर करेगा, चलेगा कोबरा ने काटा तो, नहीं तो भी तो मरना है। बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसको कुर्सी पर बिठाया गया, उसको दूर से बताया कि कोबरा लेके आदमी आ रहा है। कोबरा उसके पास में आया, उसके मुँह के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया, कोबरे के फुतकार की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, और कोबरा को उसके पास में लाने की वजह उसको क्या गया, उसके हाथ को एक सुई चुभाया इंजेक्शन की। जैसे ही सुई चुभाया वैसे तुरंत आदमी कुछ सेकंड में मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में दिखा कि एंटी स्नेक वेनम जो है, मतलब एंटी स्नेक जो सब्सटेंसेस तैयार होते बॉडी में, जो स्नेक का पॉइजन का प्रतिकार करने वाले जो सब्सटेंसेस है, वो पोस्टमार्टम में उसके बदन में, उसके शरीर में पाए गए। मतलब उसका इतना विश्वास था कि कोबरा ने काट लिया है, कोबरा काटने वाला है, तो उसको प्रतिकार करने के हॉर्मोन्स भी, केमिकल्स भी बॉडी में उसके तैयार हो गए, दिखाई दिए। ये बिलीफ सिस्टम, हालांकि कोबरा ने काटा भी नहीं, सुई चुभाई तो एंटी कोबरा के सब्सटेंसेस तैयार हो गए, केमिकल्स तैयार हो गए बॉडी में। ये बिलीफ है कि एक बार आदमी का बिलीफ हो गया ना, बॉडी भी वैसी करती है, मन भी वैसा करता है। आदमी में छोड़ो, जानवरों में भी ये होता है। ये भी काफ़ी सारे प्रयोग किए गए हैं। जब एक तबेला था घोड़े का, काफ़ी सारे घोड़े थे वहाँ बांध के रखे थे और रखते थे हरदम बांध के। एक दिन क्या हो गया, जब घोड़े का बांधने का टाइम हो गया तो सब घोड़े बांध दिए, एक घोड़ा बच गया था जिसको रस्सी नहीं थी बांधने के लिए। तो जो नौकर था मालिक के पास में आए, बोले कि रस्सी नहीं है बांधने के लिए, क्या करूँ, रात का समय हो चुका है और घोड़ा तो बांधना ही चाहिए, नहीं तो भटक जाएगा। बोले तू ऐसा कर, घोड़े के पास में जा, गले के आसपास हाथ घुमा दिए कि भाई हाथ घुमा दिया है, घोड़े को लगेगा कि अपने को बांध दिया है, घोड़ा कहीं जाएगा नहीं। बोले पक्का? बोले पक्का। वो नौकर उसके पास में जाता है, घोड़े के पास में, गले के आजू बाजू में हाथ घुमाता है जैसा उसको रस्सी से बांध दिया है, चले आता है। वो घोड़ा वहाँ से हिलता भी नहीं है। सुबह जब हो जाती है, तबेले में जाते हैं, वहाँ देखा घोड़ा वैसे के वैसे ही खड़ा है, क्योंकि उसका बिलीफ हो गया था कि अपने को बांध दिया है करके। तो नौकर ने बाकी सब घोड़े को छोड़ दिया, इसको छोड़ने का सवाल ही नहीं था क्योंकि उसको बांधा ही नहीं था। जैसे ही घोड़े की रस्सी छोड़ दिया, सब घोड़े निकल गए, चले गए, ये घोड़ा वहीं के वहीं खड़ा था। नौकर ने पूछा कि ये घोड़ा तो वहीं खड़ा है, हिल भी नहीं रहा है। बोले तूने रस्सी कहाँ छोड़ा? बोले रस्सी बांधी नहीं थी। बोले तुमको मालूम है कि रस्सी बांधी नहीं थी, घोड़े को थोड़ी मालूम है कि रस्सी बांधी नहीं थी, घोड़े को तो ये मालूम है कि रस्सी बांधी थी, तो जाओ रस्सी छोड़ो। तो जब घोड़े के पास में जाता है, फिर रस्सी छोड़ने का उसका एक्टिंग करता है, तो बाद में घोड़ा वहाँ से हिलता है। तो हमारा ही नहीं, जानवरों का भी ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है। तो आप जिसके ऊपर बिलीव करते हो वो काम हो जाता है। तो हरदम बिलीफ रखो, और गलत धारणाएं जो है, बिलीफ मतलब विश्वास या धारणा है, तो गलत धारणाएं जो है वहाँ से निकालना चाहिए। हरदम पॉजिटिव धारणाएं रखो, गलत धारणाएं उसको सजग हो जाओ कि ये गलत धारणा है, ये गलत विश्वास मैंने करके रखा है, उसको कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, सिर्फ ये गलत धारणा है, मैं गरीब रहने वाला हूँ, पैसा मेरे भाग्य में नहीं है, मैं पैसा कमा सकता नहीं हूँ, बिलीफ, और लोग वैसे गरीब रह जाते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, अच्छी बिलीफ सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना,
और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।